तक नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी रियासत जनाब कामरान सैयद उस्मानी साहब नई हलका बंदियां और ओवरसीज क्या पाकिस्तान में तब्दीली की हवा है या एक बार फिर से मसूम आवाम को गुमराह करने का हथकंडा है। देखें नई हलका बंदियां जो है ना जी वो बेसिकली आबादी को देख के की ही नहीं गई। अब आप बलूचिस्तान की बात करते हैं सुई डेरा बुकटी इलाके में वहाँ के जो महाजरीन हैं वो अभी IDPs हैं वो अभी तक अपने इलाके में जाके सेटल ही नहीं हुए हैं। बेशतर उनके आवाम जो है वो इलाका बदर है। जब तक वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब बुकटी महाजरीन अपने इलाके में भी मौजूद नहीं है। आप हल्का बंदियाँ कर देते हैं आपको आबादी का असल अंदाज़ा नहीं है। आप जाके वहाँ वो किस तरह वोट कास्ट करेंगे, वो लोग उनका वोट किस तरह होगा। जब वो अपने इलाके से मूव किए थे उनमें से बेशतर की उम्र बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थी, जवान भी थे। उनमें जो बच्चे थे 6 साल का बच्चा 7 साल का बच्चा जो था अब वो 18 साल का हो गया है, उसका भी वोट रजिस्टर्ड है। जब आप उसको डेरा बुकटी में काउंट ही नहीं करेंगे तो इस तरह की हल्का बंदी पर आप कैसे कह सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा जब इलाके की अपनी आवाम मकामी आवामी इलाके में मौजूद नहीं है। पंजाब की हल्का बंदी में क्या कहना चाहेंगे? देखिए पंजाब की हल्का बंदी जहाँ तक मैटर करती है उसमें भी बहुत सारे इशूज़ आ रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं इस बारे में कंप्लेन कर रहे हैं कि जो उनके मेन एरियाज थे उनको डिवाइड कर दिया गया है। मेरे ख्याल से ये जो मर्दमशुमारी हुई है इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और नीचे करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? देखें हर चीज़ को आप नून लीग के साथ नहीं जोड़े ना। अब हालात कुछ इस तरह हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ये हल्का बंदियां जो हैं ये ओवरऑल हम आबादी के लिहाज से बात करेंगे। हो सकता है कुछ इलाकों में मर्दमशुमारी के अच्छे असरात नून लीग पे पड़ें, लाजमी नहीं है कि नून लीग के लिए ख़राब हों, मे बी PTI के लिए भी डैमेजिंग हो सकता है। हम ओवरऑल जो है मर्दमशुमारी की बात करें कि ये प्रोसेस ठीक नहीं हुआ। क्या इसमें फिजान खारी साहब आप इस बारे में? बिल्कुल ये कामरान साहब ने बिल्कुल सही अर्ज़ किया है कि ये जो मर्दमशुमारी का एक प्रोसेस हुआ है इसमें आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली कराची के अंदर भी इस बारे में बात की जा रही थी। पाक सरजमीन पार्टी के जो कायद हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से और वो भी उनका भी यही कहना था कि कराची की आबादी को काउंट नहीं पूरा किया गया। और जैसा भी कामरान साहब ने बलूचिस्तान के हवाले से जिक्र किया क्योंकि इनकी जमात की अक्सरियत बलूचिस्तान में है तो ऐसा सिर्फ बलूचिस्तान और कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मर्दमशुमारी का प्रोसेस हुआ उससे ज़्यादातर आवाम और पार्टियाँ ख़ास तौर पर और ये जो बाद में हल्का बंदियों का होना इन चीज़ों से नाखुश नहीं और काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और तासर यही जा रहा है कि ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं ख़राबी और नुकसान का बायस बनेगी। ये चीज़ काफ़ी पार्टियों को इलेक्शन 2018 में आने वाले इलेक्शन के अंदर डिस्टर्ब करेगी। क्या कहना चाहेंगे आखिर में जनाब कामरान सैयद उस्मानी साहब 2018 के इलेक्शन के मुताबिक पाकिस्तान के आवाम को और बलूचिस्तान के आवाम को? देखें हाँ हम लोग ये कहना चाहेंगे कि हर तरफा की तरह 2008 2013 इस तरह के आवाम को चाहिए वोट मेरिट पर डालें। वोट का जैसे पंजाब में बेशतर कहा जाता है जी एक प्लेट बिरयानी पे वोट बिक जाते हैं तो इस तरह का मामला 2018 के इलेक्शन में नहीं करें और ना ही ज़हनी तौर पे किसी भी पार्टी के गुलाम बने। बिरयानी की तो बात आपने कर दी है वैसे काफ़ी इससे भी थोड़ी चीज़ों के ऊपर वोट बिक जाते हैं अगर आपको पता होगा। देखें वो तो फिर आप बेहतर जानते हैं, हम लोगों ने तो बिरयानी पे बिकते देखे हैं। जहाँ तक सूरत हाल वोट की है वोट आप ज़रूर कास्ट करें लेकिन आप ये देख लें किसी भी पार्टी की परफॉर्मेंस को आप चेक करें। अगर वो पार्टी ऑलरेडी इकतदार में रह चुकी है तब भी वो इकतदार में रह के उसने पहले क्या किया? कामरान साहब वो सुना है कि इलेक्शन वाले दिन खास तौर पर लाहौर की सड़कों के ऊपर नाश्ता बहुत मज़े का मिल रहा होता है। देखें इंशाल्लाह इस दफ़ा ट्राई करेंगे, अगर हमें किसी ने दे दिया तो फिर उस पर हम भी सोचेंगे कि हमने किसको वोट डालना है। गुड, यानी कि अगर आप सोच सकते हैं कि हम जमहूरी पे तो पार्टी से हट के थोड़ा सा वोट कर दें। देखें वो तो डिपेंड करता है नाश्ता किस तरह का मिलेगा। बहुत शुक्रिया कामरान सैयद उस्मानी साहब। फिजान खारी साहब क्या कहना चाहेंगे 2018 के इलेक्शन के मुतालिक, क्या पाकिस्तान की आवाम को क्या मैसेज देंगे कि 2018 के इलेक्शन को किस तरीके से कंटेस्ट करें? देखें अली हम लोग एक ऐसे पेशे के अंदर हैं जिसको पेशा का इबादत समझा जाता है। हमारा काम है लोगों को इंफॉर्मेशन देना और लोगों को शऊर और आगाही देने की कोशिश करना जो, और हम लोग अपने हर तरह से कोशिश ही कर रहे होते हैं साफी होने के नाते। मेरा लोगों को ये मशवरा भी होगा इस चीज़ का, मैं उनको एडवाइस भी देना चाहता हूँ कि इस दफ़ा जो वोट देना है वो आप तब्दीली को वोट छोड़ के वो आप पाकिस्तान को वोट दें। इस बार एक दफ़ा पाकिस्तान का सोच के देखें, वो जमहूरी वतन पार्टी है, वो तहरीक इंसाफ है, वो नून लीग है, वो पीपल्स पार्टी है, ये सब जमातें हैं आपके पाकिस्तान की।
नफरत के पलंदों के अंदर इन लोगों को आप अपना गैर मुल्की ना समझें इनको, ये आप लोगों के मुल्क के लोग हैं, ये हमारे पाकिस्तानी ही हैं। आखिरकार गलतियाँ होती हैं लोगों से, उनको माफ़ करना चाहिए। और आखिर में एंडिंग नोट यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान को वोट दें। जो बंदा आपको कैंडिडेट आपके करीब सही लगता है और आपको लगता है कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, उसको वोट दें। बहुत शुक्रिया फिदान खारी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब कामरान सईद उस्मानी साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है 2018 के इलेक्शन के मुतालिक। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म हुआ जाता है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।